हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा आइडिया ब्लाउज के बचे हुए कपड़े का। तो देखिए, मैंने सबसे पहले इसकी लंबाई ली है 16 इंच की, चौड़ाई है 5 इंच की, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैं बनाने वाली हूँ इसमें से माता रानी के लिए पोशाक, क्योंकि जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के लिए बना रही हूँ वैसे तो, और नौ देवी वगैरह भी आने वाली हैं तो पोशाक तो हमें चाहिए ही होती रहती हैं, क्योंकि हम हमारे यहाँ जो भगवान जी होते हैं उनको हम पहनाते हैं। तो मैंने लड्डू गोपाल जी की भी पोशाक आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। तो मैंने अस्तर के साथ में एक तरफ से इसको सिल दिया है कपड़े को और इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में एक मैंने ली है प्यारी सी लेस, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस है। और देखिए इस तरीके से इसकी जो किनारी है फूल सा लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा नीचे निकालते हुए इसको ऊपर से मैं सिलाई लगा लूँगी। तो एक सिलाई लगाऊंगी, फिर एक और सिलाई लगा लूँगी। और अगर आपको पोशाक की वीडियो चाहिए तो मैंने कल ही डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक आप लोगों के पास शेयर कर दूँगी। बहुत ही प्यारी सी हमने पोशाक बनाई हुई है, आप लोगों को लास्ट में मैं दिखाऊँगी। और देखिए, एक मैंने पतली वाली लेस भी इसके ऊपर से हल्का सा 1 इंच ऊपर से लगा दी है, ताकि इसका जो पोशाक का लुक है बहुत ही डिफरेंट सा आ जाएगा, यूनिक सा। अगर आप मार्केट से लाते हो ना तो काफ़ी महंगी महंगी पोशाकें आती हैं, और आप घर पर ही फ्री में मतलब लेस आएगी केवल आपकी, और जो कपड़ा है वो तो हमारा बचता ही रहता है। अगर आप ब्लाउज वगैरह खुद सिलाई करते हो तो कपड़ा जो हमारा निकलता ही रहता है किसी न किसी में से, तो मेरा भी कपड़ा फ्री का सा ही पड़ जाता है, केवल इसमें लेस लगी है। तो देखिए, मैंने एक पट्टी और ली है, इसको मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। तो देखिए, एक तरफ से और लगा रही हूँ मैं। तो इस पट्टी की चौड़ाई और लंबाई अभी मैं सिलाई लगाने के बाद में बता दूँगी कि मैंने कितनी ली है। तो देखिए, 6.5 इंच इसकी कमर की चौड़ाई ली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3.25 इंच की ली है। अब देखिए, यहाँ से इसको हम उल्टी साइड से रखेंगे। तो देखिए, लहंगे वाला पार्ट है वो मैंने सीधा रखा है, पट्टी को मैंने उसको भी मैंने सीधा रखा है। अब इस तरीके से रखने के बाद में यहाँ पर किनारे से आपको डबल सिलाई लगानी है, और इस तरीके से चुन्नट डालते हुए आपको पूरे में सिल देना है इसको। और चुन्नट आपको इस हिसाब से डालनी है कि मतलब पूरा आप इसी पट्टी पर आपकी जो चुन्नट है पूरा सेट हो जाए। तो देखिए, मैंने पास पास चुन्नटें डाल दी हैं, जैसे जैसा कपड़ा है उस के हिसाब से आपको चुन्नट डालनी है, ज़्यादा है तो ज़्यादा पास पास, अगर कम है तो थोड़ी दूर दूर। तो मैंने चुन्नट डालने के बाद में जो पट्टी है उसको आगे की साइड में फोल्ड करते हुए, और मैं यहाँ पे कमर पे भी एक लेस लगाऊंगी ताकि अच्छा सा लुक आ जाए यहाँ पर भी। तो देखिए, कमर पर जो लेस लगा रही हूँ वो मैं पट्टी के साथ में अटैच कर रही हूँ। तो इस पट्टी के साथ में अटैच करते हुए मैं इसमें सीधी सिलाई लगा दूँगी। अब देखिए, सीधी सिलाई लगाने के बाद में मैं आपको नारा वगैरह डाल लेना है, और इसका चलिए फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी अब मैं। और गाइज, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो देखिए, लेस के ऊपर से मैंने एक सिलाई और लगा दी है। बहुत ही प्यारा सा हमारा माता रानी का लहंगा बन के रेडी हो चुका है। और ऐसे ही मैंने दुपट्टा बनाया हुआ है, लेकिन दुपट्टे पे मैंने अस्तर नहीं लगाया है, वो मैंने सिंपल बनाया है। मतलब लेस वगैरह तो लगाई है लेकिन वैसे सिंपल बिना अस्तर के बनाया है। तो ये हमारा देखिए दुपट्टा है, किनारियों से मैंने लेस लगाई है, और जो मैंने लहंगे पर किनारियों से लेस लगाई है ना दोनों तरफ फोल्ड वाली, वो मैंने दोनों साइड में लगाई है इस तरीके से। देखिए, ये चौड़ी वाली लेस है, ये पतली वाली। इस तरीके से मैंने दुपट्टा बनाया, और ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए दो पोशाकें बनाई हैं। दो हमारे यहाँ दो गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी दो हैं, तो उन दोनों के लिए मैंने ये पोशाक बनाई है, ये माता रानी के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये कॉम्बिनेशन कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।